प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में भाजपा पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही उसमें बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर से भाजपा द्वारा आलाकमान को भेजे पैनल के ही उम्मीदवारों ने पार्टी के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों को सही ठहराते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान ने सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन किया है और अब सभी को मिलकर काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जहां पार्टी को जरूरत होगी वहां पार्टी के लिए वे प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर में मॉन्टे कार्लो के शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने शोरूम के मालिक को बधाई दी और उम्मीद जताई कि कोरोना महामारी के सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधियों को अब बल मिलना शुरू हो गया है। धूमल ने कहा कि नए शोरूम व कारखानों का खुलना बाजार के हालत के बदलने का संकेत दे रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने नवरात्रों में महामारी से सभी लोगों की उन्नति की प्रार्थना भी की। दूसरे नवरात्रे के दिन श्यामा जी ने वस्त्रम का शोरूम मोंटे कार्लो का खोला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। मुझे आशा है ईश्वर कृपा से और लोगों के सहयोग से कोरोना बीमारी पूरी तरह ख़त्म होगी, कारोबार फिर बढ़ेगा। नए शोरूम का खुलना, नए कारखानों का लगना इस बात का द्योतक है कि हालात बदल रहे हैं। आओ अच्छे भविष्य के लिए कामना करें, महामारी सबको शक्ति दे, इनके व्यापार को विकसित करें और नए नए और शोरूम खुले और नए नए विकास के काम हों। इसमें बिजनेस बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि टिकट केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी लोग खुद की उम्मीदवारी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान ने सोच समझकर ही निर्णय लिया है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार के पक्ष में काम करें। सारा निर्णय लिया है, हमें विश्वास है चारों सीटें हम जीतेंगे। स्वाभाविक है, टिकट एक होता है, मांगने वाले बहुत होते हैं, हर कोई अपने आप को बेस्ट उम्मीदवार मानता है, लेकिन अंततः MLA और MP का टिकट हाईकमांड तय करता है। उनकी नज़रों में जो अच्छा था उन्होंने तय कर दिया है, बाकी सबको सहयोग करना चाहिए। वहीं धूमल ने कहा कि मंडी से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर अच्छे सैन्य अधिकारी रह चुके हैं और कारगिल युद्ध के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि खुशहाल मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद के तौर पर लोगों की अच्छी सेवा करेंगे। धूमल ने कहा कि पार्टी को जहां जरूरत होगी वहां वे प्रचार करने अवश्य जाएंगे। ब्रिगेडियर खुशहाल बहुत अच्छे अधिकारी रहे, कारगिल युद्ध के दौरान जब हम कारगिल गए थे तब भी हमें मिले थे, अच्छा काम किया है, हमें विश्वास है सांसद के तौर पर मंडी की अच्छी सेवा करेंगे। चुनाव प्रचार की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जाएंगे।